अच्छा, ये बात तो साफ है कि अब सीधे लड़ाई योगी और अखिलेश यादव के बीच की है, तो अखिलेश ने भी टू विंडो सिस्टम वाली राजनीति अब सीख ली है। जब भी प्रधानमंत्री मोदी का उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम हो रहा हो, अखिलेश भी एक बड़ा कार्यक्रम कर दे रहे हैं। आज भी लखनऊ में अखिलेश यादव ने एक बड़ी रैली की और जिस एयरपोर्ट का जेवर में बखान हुआ उसी पर करारी चोट कर दी। लखनऊ में मंच सजा, मौका बड़ा हाथ लगा था और फिर हुआ ये कि इधर जेवर में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी कार्यक्रम कर रहे थे, तो उधर उसी वक्त लखनऊ में अखिलेश यादव ने भी ललकारना शुरू कर दिया, महान दल के संजय चौहान के साथ रैली की और जिस एयरपोर्ट की तारीफ जेवर में हो रही थी उसी के बहाने समूची बीजेपी को निशाने पर ले लिया। यही बीजेपी का नारा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पर बैठेगा। हवाई जहाज भी बेच दिए, हवाई जहाज खड़े होते हैं वो एयरपोर्ट भी बेच दिया, और जो हवाई जहाज के गणित समझेगा वो सोचेगा क्या गणित है हवाई जहाज का। जितने भी एयरपोर्ट बने हैं सब घाटे में हैं। दिल्ली का एयरपोर्ट कई हजार करोड़ में घाटे में है। हवाई चप्पल से हवाई जहाज को जोड़कर अखिलेश यहां योगी के साथ मोदी को भी निशाने पर ले गए। अखिलेश यादव लगातार छोटे छोटे दलों को साथ ला रहे, महान दल के संजय चौहान उसी कड़ी का पहला हिस्सा है। अखिलेश की नजर गठबंधन के सहारे ओबीसी वोटरों पर है। यादव तो अखिलेश के साथ है ही, गठबंधन के सहारे उनकी नजर नॉन यादव ओबीसी वोटों पर है और सबसे ज्यादा जोर तो किसानों पर लगा रखा है, क्योंकि उन्हें पता है कि किसान जिसे चाहे जिता दे, जिसे चाहे हरा दे। हमारा किसान देख रहा है कि कैसे खुशहाली तरक्की आएगी। गन्ने के किसानों का बकाया है अभी तक, गन्ने का किसान का बकाया अभी तक सरकार नहीं दे पा रही है। डीजल पेट्रोल तो महंगा ही है, लेकिन जब बिजली का बिल आता होगा तो बताओ बिल से आपको करंट लग रहा कि नहीं लग रहा, कौन कम करेगा? अगर कोई कम कर सकता है तो वो समाजवादी लोग हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं उम्मीद से ज्यादा राहत देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और लखनऊ से अखिलेश ने कमोबेश हर उस दुखती रग पर हाथ रखने की कोशिश की जो किसानों को चुभ रही। चुनाव धीरे धीरे रोमांच की ओर बढ़ रहा है।